दोस्तों अगर आपके पास है Vivo Y300 Plus 5G फोन और इस फोन में आप जो है स्मार्ट कॉल सेटिंग को यूज करना चाहते हैं यानी स्मार्ट कॉल सेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे आप करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो है अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। मोबाइल की सेटिंग ओपन होने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्मार्ट मोशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्मार्ट कॉल का ऑप्शन है, इस टिक को आपको ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्मार्ट आंसर का, अगर इस टिक को आप ऑन करते हो और जब भी आपके फोन में कॉल आएगी और अपना फोन कान के पास ले जाओगे तो दोस्तों तुरंत जो है कॉल दोस्तों रिसीव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट स्विच का ऑप्शन है, अगर इस टिक को आप ऑन करते हो और मान लीजिए अगर आप हैंड्स फ्री पर बात कर रहे हैं और जैसे ही अपना फोन कान के पास ले जाओगे तो इस रिसीवर से आवाज आने लगेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्मार्ट म्यूट का ऑप्शन है, अगर इस टिक को आप ऑन करते हो, अगर आपके मोबाइल में दोस्तों कॉल आ रही है और आपने अपने मोबाइल को इस तरह से दोस्तों ढक दिया तो दोस्तों जो कॉल बज रही थी वो कॉल बजना बंद हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्लिप फोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, ये टिक डिसेबल होगा, इसको आप ऑन करेंगे। इससे क्या होगा, अगर आपके मोबाइल में इनकमिंग कॉल आ रही है और अपना मोबाइल आप टेबल पर पलट कर उल्टा रख दोगे तो दोस्तों जो कॉल बज रही थी वो म्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इस मोबाइल में स्मार्ट कॉल सेटिंग को यूज कर सकते हो।